नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज के सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चंद्रपुर में दारू बिक्री के साथ गोलीबारी की भी शुरुआत। आज दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच चंद्रपुर शहर के मध्य में स्थित सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायिक ठिकानों में से एक रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में अचानक 3 गोलियां चली। यह गोलियां रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में स्थित ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में चली, जिसमें हमलावर ने बुर्का पहनकर यह कांड को अंजाम दिया। अभी पुलिस की जांच शुरू है, इसलिए पुलिस ने किसी को भी कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी। मगर पार्थेश्वर के हाथ कुछ महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तथ्य लगे हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट के सामने और युद्ध साइबर कैफे के सामने 3 लोग बैठे थे, जिसमें से एक बुर्का पहने हुए हमलावर था। उन्होंने आपस में कुछ देर बात की, फिर अचानक बुर्का पहने हुए हमलावर ने दोनों में से एक आदमी पर गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया और जिस पर गोली चलाई जा रही थी वह वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर हमलावर ने उसके पीछे भागकर 2 गोलियां और चलाई। हमें मिली जानकारी के अनुसार जिस पर गोलियां चलाई जा रही थी उसका नाम आकाश आलेवार था, जो कि 32 वर्षीय युवक है, जिसका संबंध कोल माफिया से भी होने की शंका जताई जा रही है। जैसे ही उस पर गोली चली वो वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर हमलावर ने उसके पीछे दौड़कर 2 फायरिंग और की। उसके बाद आकाश आलेवार रघुवंशी कॉम्प्लेक्स के बाजू में स्थित बिजनेस कॉम्प्लेक्स में MI के शोरूम में अंदर घुस गया और वहां पर बचने की कोशिश की। उसके बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। इसमें विशेष बात ऐसी है कि जो केवल पार्थेश्वर समाचार को पता चली है कि आकाश आलेवार के हाथ पर एक गोली लगी थी, जो कि यह अंदाज है जब वह आपस में आमने सामने बैठे थे तब चलाई गई गोली लगी होगी, और उसकी कमर में 2 गोलियां और लगी जहां पर 2 सुराख थे मगर बुलेट नहीं थी। पुलिस को रघुवंशी कॉम्प्लेक्स के सामने एक रोड पर 2 बुलेट बरामद हुई। अभी पुलिस ने यह जानकारी नहीं दी है कि यह बुलेट किस गन की हो सकती है, मगर आकाश आलेवार का प्राथमिक इलाज कुबेर अस्पताल में डॉक्टर विक्रम धावंडे ने किया, जिसके बाद उन्होंने मरीज को फर्स्ट एड करके नागपुर के लिए रेफर कर दिया। पार्थेश्वर समाचार ने अपनी जांच में पाया कि यह तीनों युवक शायद बल्लार शाह के है, जो अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ इस वारदात का संबंध कुछ समय पहले हुए सूरज बहुरिया हत्याकांड से भी जोड़कर कुछ लोगों ने देखा है। अगर ऐसा है तो यह कहने से हरकत नहीं कि चंद्रपुर में दारू शुरू होने के साइड इफेक्ट्स है, और इस गोलीबारी में आगे चलकर किसी राजनेता का भी नाम सामने आता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। खबर लिखे जाने तक समाचार था कि आकाश आलेवार की हालत स्थिर है और उसे नागपुर में रिफर किया गया है और पुलिस अपनी जाँच कर रही है। कुछ दिन पहले विधायक किशोर जोरगेवार ने पुलिस अध्यक्ष को मिलकर यह निर्देश दिए थे कि दारूबंदी उठने के बाद दारू बिक्री शुरू होने के बाद जो विभिन्न समस्याएं शुरू हुई है उसका निराकरण करें। मगर लगता है अब बात बहुत दूर तक जाएगी। पार्थेश्वर के हाथ इस वारदात की एक्सक्लूसिव फुटेज भी लगी है, जो सबसे पहले आप पार्थेश्वर समाचार पे देख रहे हैं। चाहने वालों को बोल दो भाई 2 दिन में वापस आ रहा है। चैनल को बोलो अपने चाहने वालों के लिए है भाई 2 दिन में वापस आए। गोली का आवाज यहाँ से आया, मैं उनको देखी भी नहीं कहता था, फिर मैं पता लगा कि रिटर्न वापस बंदूक की गोली का आवाज आया हुआ है। आवाज आया सिर्फ मेरे को, तो मेरे को लगा कितने लोग थे, जोरदार आवाज था कि छोटा आवाज था, और दोनों कंप्लेक्स में कहता गिफ्ट का तो भी कुछ भी आवाज आता है, गोली का भी तो आवाज आएगा सर। पहली बार गोली का आवाज कितना दौड़े बजे की बात थी क्या सर? भाई आपको 3 बजे की बात है सर। कोई लड़की होंगे तो हम ऐसे देख रहे थे, फिर उसने पिस्तौल काटी और मारे और तीनों भी ऐसे तोड़ के भागे थे। अच्छा, तो मारने वाला बुर्का पहन के था क्या? हाँ, बुर्का पहन के था, काला वाला। और बाकी दो लोग ड्रेस पे थे, लड़के थे, लड़के थे कि आदमी थे? लड़के लड़के जैसे थे, कुत्ता ही देखने मिला। मतलब हम यहाँ से बाहर नहीं जाते, तुमको दिखाना यहाँ से। अच्छा, ठीक है।
और कुछ यहाँ बैठे थे कितने लोग थे? मैंने भी देखा नहीं है। पता लगा वो लड़की बोल रही थी कि जो बुरखा पहन के लड़का था ना वो था बैठा था कि खड़ा था, उसने मेरे को बताया नहीं उसका। बाकी फिर वो कुछ बात कर रहे थे जो बुरखा पहन के था लड़का। फिर वो फायरिंग यहाँ पर एक हुई, वो बता रहा है बॉक्स वाला, और दूसरी फायरिंग भी यहाँ पर ही हुई, तो दो फायरिंग हुई। और फिर उसके पीछे भी दौड़ते हुए बोलते मार गए। हाँ, गया। फिर वो बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में जो डेल का शोरूम है ना उसके यहाँ पर पूरी शायद से दूसरा भैया। अच्छा, पूरी फिर भीड़ सर वहाँ जमा हुई अपनी लड़की जो देखी बढ़ गया।